ये तो जुबानजी वाला फीलिंग दे रहा है। ड्रोन उड़ने वाला है, मैं नहीं उड़ाने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिए। पानी में देखना है। देवी और सज्जनों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम तीन हमारे साथ। अरे फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम रूपा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गोवा से है ये ब्लॉग, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम गोवा में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया गोवा से आने के बाद, टाइम नहीं मिला एडिट करने का। और गोवा से आते ही बहुत सारी चीज़ें थी, दुर्गा पूजा था, छठ था, दिवाली थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसी वजह से पोस्ट नहीं कर पाई। सो नाउ आई डिसाइडेड टू पोस्ट दिस वीडियो। और ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर डे था हमारा गोवा में, सबसे बेस्ट डे था। मतलब बोर भी हो गए, थक भी गए, फिर भी लास्ट में बहुत मज़ा आया। जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह को देख के बड़ा अच्छा सा फीलिंग आया। सो चलिए हम आप लोगों को लेके जाते हैं बटरफ्लाई बीच। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं साउथ गोवा। बटरफ्लाई बीच जो है वो साउथ गोवा पड़ता है, और जहाँ पे हम रुके थे नॉर्थ गोवा में, वहाँ से 80 किलोमीटर है। और 80 किलोमीटर हम स्कूटी में तय करके आए हैं। और वहाँ आते आते अतुल की स्कूटी पुलिस ने पकड़ ली वीडियो शूट करने के लिए। उसने अपने हेलमेट उतारी और 2000 का गच्चा उसको मिल गया। हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच, बटरफ्लाई ढूंढने। वो मिलने वाला नहीं है। ये स्कूटी खड़ा करके कितना मीटर जाना है हम लोग को? अभी 200 मीटर पैदल चलना है। 200 मीटर पैदल चलना है, फिर जीप मिलेगा। और ये जीप आ गया है, इससे हम लोग को जाना है आगे। ये तो जुबानी वाला फीलिंग दे रहा है। ये क्या हो रहा है? लास्टली हम पहुंचने वाले हैं। और ये रास्ता देखने के बाद हम सबको लगने लगा कि हम लोगों ने आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मीन्स कब पहुंचेंगे हम? बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था पहुंचने में। और ये आप रास्ता देख रहे हो, कैसा रास्ता है। यहाँ कोई गाड़ी, कोई भी व्हीकल नहीं आ सकती। यहाँ पे आपको पैदल ही चल के जाना पड़ेगा अपने पैरों पे। सो हियर द बटरफ्लाई बीच, जिसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँच ही गए। और यहाँ पे बहुत सारी मूवी की भी शूटिंग हुई है। वैसे तो गोवा में हर जगह ही शूटिंग होती है, उनमें से ये भी एक प्लेस है। और ये लोग अब जाके पहुँचे हैं।
जीप में एक्चुअली 8 कोई से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग तीनों पैदल आए हैं ट्रैकिंग करते हुए इस एडवेंचरस रोड में।